महुआ प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली धनराज पंचायत के लगभग 200 मजदूर तमिलनाडु में फंस गए हैं, जिसके कारण अब उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने एक वीडियो के जरिए सीएम नीतीश कुमार से सहायता की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि महुआ प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली धनराज पंचायत के लगभग 200 लोग तमिलनाडु के सरस्वतीपुरम में मजदूरी करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के कारण उनका कामकाज ठप हो गया है। अब उन मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने वीडियो कॉलिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार से सहायता की गुहार लगाई है। वहीं मजदूरों ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार या तो सहायता करें, नहीं तो तमिलनाडु सरकार से हमारी सहायता की बात करें। वहीं कन्हौली धनराज पंचायत के मुखिया सीमा देवी ने बताया कि हम लोग फंसे हुए मजदूरों की आर्थिक सहायता की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार से फंसे हुए मजदूरों की सहायता की मांग की है। हम लोग तमिलनाडु के चेन्नई डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। हम लोग वैशाली जिला का रहने वाले हैं और हम लोगों के तरफ यहाँ का सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा। आज तक के हम लोग खाने पीने के लिए चाहे या कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दिया गया। हम लोग बहुत ही दिक्कत में हैं। कृपया वहाँ के मुख्यमंत्री हो या हमारे बिहार का मुख्यमंत्री हो, वो लोग हम लोग ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग खाने के लिए कुछ भी अभी नहीं है। हम लोग ऐसा ही भूखे दो दिन से यहाँ पे हैं। हम लोग बहुत ही यहाँ पे परेशानी है। हम लोग घर भी जाना चाहते हैं तो लॉकडाउन के कारण गाड़ी वगैरह बंद है, वो भी नहीं जा सकते हैं। रूम में किसी के पास एक रुपया नहीं है। अगर ये वीडियो वहाँ पर किसी को समझ में आए तो इस पर कुछ सहायता करने की कृपा करेंगे। टिकट नहीं है, वो कैसे जाएगा? तो बोले और यहाँ पे गाड़ी भी चालू होगा तो बोला जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना है। यहाँ पे हम लोगों के पास खाने के लिए एक रुपया नहीं है तो टिकट लेने का पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग क्या करें? हम लोग को जाने के लिए ना एक रुपया है और गाड़ी को बताया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना है, तो वेटिंग भी लेने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो हम लोग पैदल यहाँ से जाए, गाड़ी का सुविधा हम लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है। ऊपर से यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा, तो हम लोग क्या करें इस हालत में?